प्याज के भाव में पिछले हफ्ते एवरेज क्वालिटी में उठा पटक देखने को मिली, तो वहीं सुपर क्वालिटी के प्याज के भाव में हफ्ते के आखिरी दिनों में तेजी का रुख रहा। निर्यात मांग की क्या है रिपोर्ट, पिछले हफ्ते उम्मीद से कम भाव क्यों देखने को मिली, आगे किस तरफ जा सकता है इसका बाजार, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी, आज है 1 मई और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। प्याज के भाव पिछले हफ्ते में तेजी और मंदी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि प्याज की आवक हर मंडियों में सामान ही देखने को मिली। अच्छी डिमांड बनने के बावजूद प्याज के भाव में मंदी की वजह रहे दूसरे राज्यों में आवक का ज्यादा होना। पिछले वर्ष व्यापारियों द्वारा सीजन पर स्टॉक बहुत ज्यादा किया जा रहा था, जिससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मंडियों में आवक अच्छी रहने के बावजूद भाव काफी ज्यादा था। इस वर्ष स्टॉकर्स की लिवाली शुरू तो हुई है पर बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रही। व्यापारियों द्वारा फिलहाल स्टॉक कम हो रहा है और किसानों द्वारा स्टॉक ज्यादा किया जा रहा है, जिस वजह से ज्यादातर व्यापारी प्याज को बिक्री के लिए भेज रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में अभी लोकल प्याज भी आ चुकी है, जिससे सामने के बाजारों में आवक ज्यादा आ रही है और भाव में गिरावट जारी है और उस गिरावट का असर हर बड़ी मंडियों में भी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में प्याज के भाव की बात करें तो व्यापारियों और नाफेड के द्वारा जब प्याज का स्टॉक बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी, उसके बाद इसके भाव में हल्की हल्की तेजी बननी शुरू हो जाएगी। निर्यात की बात करें तो रमजान की वजह से अरब के देशों में डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है और भाव में भी सुधार देखने को मिल रही है। भारत में भाव काफी कम रहने की वजह से आने वाले समय में प्याज का निर्यात बढ़ सकता है। प्याज भाव के बारे में बात करें तो लासलगांव प्याज मंडी में एकदम सुपर क्वालिटी की बात करें तो 1350 तक नीलाम किया गया। वहीं सुपर क्वालिटी की बात करें, जो कि दक्षिण भारत की तरफ ज्यादातर सप्लाई किया जाता है, तो 1000 से 1200 तक देखने को मिली। वहीं पे मीडियम क्वालिटी की बात करें, जो कि मलेशिया इंडोनेशिया जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, वो 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिली। मीडियम मोटा प्याज की बात करें, जो कि ओडिशा उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सप्लाई किया जाता है, उसका भाव 700 से 900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। अगर हम बड़े साइज की हल्की क्वालिटी की प्याज की बात करें तो 600 से 700 तक इसका भाव देखने को मिला। गोल्टा प्याज 400 से लेकर 650 मंडियों में देखने को मिल रही है। गोल्टी प्याज के भाव 200 से 400 तक है। नासिक पीपलगांव में सबसे अच्छी क्वालिटी 1400 तक नीलाम की गई, वहीं एवरेज क्वालिटी 1000 से लेकर 1200 तक रहा। पुणे प्याज मंडी में सुपर क्वालिटी की प्याज एक दो लॉट 1100 तक बिकी, तो वहीं एवरेज की बात करें तो 800 से लेकर 1100 तक रहा। मध्य प्रदेश के मंडियों में भाव की बात करें तो अच्छी क्वालिटी की प्याज 9 रुपये से लेकर 11 रुपये प्रति किलो तक देखा जा रहा, वहीं मीडियम क्वालिटी 7 रुपये से लेकर 9 रुपये तक देखा गया है। दूसरे राज्यों की बात करें तो साउथ की मंडियों में 1300 से लेकर 1600 तक देखने को मिली, वहीं मीडियम साइज की प्याज 1200 से 1400 तक देखने को मिल रही है। बिहार की मंडियों में अच्छी क्वालिटी की प्याज 1200 से लेकर 1300 तक बिकता हुआ नजर आया। बंगाल की मंडियों में 1400 से लेकर 1600 तक का भाव देखने को मिल रहा।